Hello everyone, now let's start a new chapter, a brand new one. It is the most important topic from the point of your NEET as well as from point of your boards. इतना important topic है कि आपको ये chapter आपको पहले ही करना है. इसका preference अगर दिया हमें chapter wise तो उसमें सबसे number one पर यही chapter रहेगा. थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में school time में सुना होगा, वही chapter है, लेकिन अब हमको उसको detail में study करना है. इस तरीके से उसको स्टडी करना है कि वो चैप्टर का हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते आना चाहिए. नीट में तो इस चैप्टर का बहुत वेटेज है, बोर्ड में भी लॉन्ग आंसर के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस चैप्टर इज नेम्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इन एनसीईआरटी, एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इतना ही है इन स्टेट बोर्ड टेक्सटबुक. ओके, सो हम वही चैप्टर स्टार्ट करें, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. अब ये चैप्टर क्या है, दिस चैप्टर जैसे कि नाम देख रहे हो आप, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो हम उसके नाम में दो शब्द देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स किसके बात करें, कौन से प्रिंसिपल्स देखने वाले इसमें, इनहेरिटेंस और वेरिएशन. तो इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, ये तो हम अभी आने वाले टाइम में टर्म्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें आपसे, मुझे इंट्रोडक्टरी पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा. सबसे पहले तो हम we have a unique ability that is the reproduction, and reproduction leads to formation of new life or the new organisms. That new life or the new individual is apparently similar, it has close similarity to its parents. Parents जैसे दिखते, जैसे माँ बाप रहते हैं, जिस तरीके से माँ बाप के height रहेंगे, उनके color रहेगा, उनके body, उनके eyes वगैरह रहेंगे, उनके अलग अलग जो भी skin color वगैरह रहेगा, उनसे ही कुछ मिलता जुलता उनका बेटा या बेटी जो भी रहेंगे तो वो उनका appearance रहेगा. ऐसा क्यों होता है कि हम जिस तरीके से हमारे जैसे ह्यूमन बींग रहते हैं, उनके बच्चे वो ह्यूमन जैसे ही रहते, गाय भैंसों को गाय के जैसे ही होते, भैंस को भैंस के जैसे बच्चे होंगे. आम के पेड़ पर आम ही आएंगे, अगर आपने फिर वो सीड निकाला आम की कोई में से तो फिर से उससे आम का पेड़ ही आएगा. मतलब लाइक बिगेट्स लाइक, जैसा रहेगा उसको वैसा ही फल आएगा, जैसे तुम पेरेंगे वैसा ही उगेगा, करेक्ट है. सो लाइक बिगेट्स लाइक, जैसे वाले ऑर्गेनिज्म को वैसे ऑर्गेनिज्म आता, थ्रू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के थ्रू ये पॉसिबल है, जैसे को वैसा आना चाहिए, राइट. ऐसे कैसे होता, कैसे ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग के जैसे बच्चे होते, उनमें उनके माँ बाप के जैसे कैरेक्टर कैसे आते, उनमें उनके भाई बहनों में भी सिमिलैरिटीज रहती, माँ बाप में उनमें भी सिमिलैरिटीज रहती. तो ये जो सिमिलैरिटीज है या उनमें जो डिफरेंसेस है, ये किस तरीके से आते, क्यों आते, कैसे आते, ये सारी बातें हमको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर में देखने में. क्या पॉइंट देखना है हमें, ध्यान में आ रहा है, वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दीज चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड, हाउ दीज कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, how that characters are controlled, who control that characters, what is the mechanism of that transmission of characters, ye sari baatein humko is chapter mein dekhne ki, theek hai. so let's start, humko already pata hai iske bare mein bahut si cheeze, to inheritance wagaire kaise hota, inheritance hona aur variation hona iske bare mein short mein sun lo, hum waise to definition dekhenge. inheritance is the ability to transfer the character from one generation to next generation. Inheritance is the transfer of character from one generation to next generation. Define inheritance, transfer of character from one generation to next generation. तुम्हारे माँ बाप से तुम में कुछ character आए, तुम में से तुम्हारे बच्चों में जाएंगे, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, इस तरीके से characters जाएंगे from one generation to next generation. This transfer is known as inheritance. Okay, जैसे कि तुम्हारा skin color, वो बच्चों को वैसा ही मिला तो बच्चे को तुम्हारे skin color inherit हुआ है, we will call it as inherited color. इंटेलिजेंस लेवल इनहेरिट हुआ है वैसा का वैसा, सो इट इज कॉल्ड इनहेरिटेड इंटेलिजेंस. ओके, ब्लड ग्रुप जैसा का वैसा है, माँ बाप का और बच्चे का भी सेम है, तो इनहेरिटेड ब्लड ग्रुप, करेक्ट है. सो योर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन पेरेंटल जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज इनहेरिटेंस, ट्रांसफर को बोलने का इनहेरिटेंस. लेकिन जैसे कि वैसे सारे कैरेक्टर्स नहीं जाते, उनमें सम विजिबल चेंजेस ऑल्सो ट्रांसमिटेड, सो दैट विजिबल चेंजेस आर नोन एज वेरिएशंस, बदलाव. पूरे के पूरे एक जैसे नहीं जाते, कुछ अलग चेंजेस भी जाते, जैसे कि भले ही आपके आंखें चेहरा वगैरह माँ से मिलता जुलता हो, लेकिन पूरा का पूरा 100% माँ की कॉपी नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ बॉडी बोन का शेप वगैरह फादर जैसा रहेगा, तो एक अलग तरीके का आपका थोड़ा सा चेहरे का शेप वगैरह है. तो ये जो विजिबल चेंजेस रहेंगे, दीज विजिबल चेंजेस इन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, दे आर नोन एज वेरिएशंस. वेरिएशन
वेरिएशन मतलब विजिबल चेंजेस, ट्रांसफर होना मतलब इनहेरिटेंस, और विजिबल चेंजेस मतलब वेरिएशंस। ओके, तो ये कैसे होता है ये हमको देखने का। अब वापस से मैं इंट्रोडक्टरी बात ही कर रहा हूं अभी भी। तो शुरुआत में ऐसा था कि जब रिप्रोडक्शन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, जैसा कि इवोल्यूशन में देखे थे अपने लाइफ कैसा ओरिजिन हुई ये पता नहीं थी, तो सब लोगों ने अपने अपने थ्योरीज दिए थे। तो इनहेरिटेंस कैसे होता, क्यों होता, ये एक्सप्लेन करने के लिए वापस से अपने पूरे साइंटिस्ट लोग, पुराने जमाने के फिलोसोफर्स वो आगे आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से दे ट्राइड टू एक्सप्लेन द मैकेनिजम्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड दे ऑल पुट फोर्थ द वेरियस थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस बोल रहा हूं मैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। मैं ऐसी कुछ थ्योरीज बता रहा हूं, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कुछ ब्लेंड हो रहा, मिक्स हो रहा है यहाँ पे, ऐसा इनका बोलना था। तो इनका क्या बोलना था, जैसे कि एक थ्योरी देखते हैं अपन, फॉर एग्जांपल द मॉइस्ट वेपर थ्योरी, तुमने पाइथागोरस का तो नाम सुना ही होगा। ओके, सो मॉइस्ट वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी बाय पाइथागोरस। अब ये मैथमेटिशियन था तो इसको क्या लेना देना बायो की बातें कैको करना चाहिए था इसने, लेकिन इसने एक थ्योरी दिया। इसने क्या बोला, ह्यूमन मेल की बॉडी में से बोले ऐसा पूरा मॉइस्ट वेपर तैयार होता बोले, और वो वेपर कलेक्टिव होके एम्ब्रियो में डेवलप होता इन द फीमेल्स बॉडी, वो फीमेल की बॉडी में जाता और फीमेल की बॉडी में ग्रो होता बोले। वॉट एवर, इतना बकवास क्या सोच लिया था उसने, क्यों बोल दिया पता नहीं, इतनी एक चीज थ्योरी देके उसने खुद का नाम खराब ही कर लिया एक प्रकार से। ह्यूमन बॉडी में से, मेल की बॉडी में से मॉइस्ट वेपर्स निकलते, वो वेपर्स निकल के कलेक्ट होते इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म्स एंड दैट दे आर एंटर द फीमेल बॉडी एंड दे ग्रो इनटू एम्ब्रियो। कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, पूरी बॉडी के कैरेक्टर जमा होते बोले, मेल के पूरे आंख वगैरह हर जगह से वेपर निकलते, वो वेपर निकल के, ये जादू हो रही क्या, एनिमेशन हो रहा क्या यहाँ पे कोई, तो वो उस तरीके से कुछ होता बोले और वो जमा होके बोले जाता फीमेल की बॉडी में और वो बेबी में ग्रो होता। बकवास। दूसरी थ्योरी भी कुछ ऐसी थी, एरिस्टोटल की थ्योरी थी तुम्हारी अबायोजेनेसिस की जैसी थ्योरी, एरिस्टोटल का तो और ज्यादा बकवास इससे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ये एरिस्टोटल की, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी बाय एरिस्टोटल, बाय एरिस्टोटल। ओके, इसका बोलना क्या था, मॉइस्ट वेपर्स फ्रॉम मेल्स बॉडी दे डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ओके, इसका क्या बोलना था, ह्यूमन बॉडी में बोले मेल की बॉडी में जो ब्लड है, मेल की बॉडी में ब्लड, फीमेल की बॉडी में जो ब्लड है, वो ब्लड में बोले पूरे बॉडी के कैरेक्टर जमा होते बोले, पूरे ब्लड में जमा होते। ओके, ब्लड के थ्रू बह के आते और स्पर्म्स में आ जाते और वो फीमेल की बॉडी में आते और फिर वो स्पर्म्स के थ्रू पूरे ब्लड में से वो कैरेक्टर्स इस तरीके से जाते बोले फीमेल में बोले, और वो वहां पे ग्रो होते, मेल बनेगा फीमेल बनेगा। अरे कुछ लॉजिक ही नहीं है इनके पास। चलो ये बहुत पुराने जमाने की बात, बिफोर क्राइस्ट की बातें चल रही है सब, तो वो टाइम पे या फिर 100 BC, 100 AD वगैरह, 200 AD वो टाइम की बात है। इनके पास क्या साइंटिफिक कोई साइंस नाम की कोई बहुत बेस ही नहीं था, तो इसलिए इनका जो बोलना था पूरी ब्लड में से बोले कैरेक्टर जमा होते, दे आर ट्रांसमिटेड टू द फीमेल्स बॉडी एंड दे विल ग्रो इनटू यंग वन। ओके, तो यहाँ पे ब्लड इनहेरिटेंस, रिप्रोडक्टिव ब्लड रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा, इसका ऐसा बोलना था। तीसरा इसके बाद अगर आए तुम्हारे लुईस पाश्चर की थ्योरी देखे तुमने, तो लुईस पाश्चर की थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस अपन ने जो इवोल्यूशन में देखे थे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, स्वैन नेक फ्लास्क याद आ रहा है तुम्हारे को, स्वैन नेक फ्लास्क इस तरीके से कुछ तो भी था इसके अंदर अपन ने, फिर इधर उसने कुछ तो भी रखा था वापस से ई सेल्स वगैरह ग्रो करने की कोशिश किया था, उसमें कुछ होता क्या देखा था, उसमें वो लिक्विड रखा था तो वो खराब नहीं होता बराबर, ऐसा कुछ था वो। तो वो जो थ्योरी थी उसमें क्या होता, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो ये तो ठीक है बाबा चलो ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंस वगैरह कैसे होता है ये कुछ भी बताती नहीं है थ्योरी। ओके, सो बायोजेनेसिस थ्योरी बाय योर लुईस पाश्चर, दिस ऑल्सो ट्राइड लुईस पाश्चर, इट ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, अच्छा ये जो थ्योरीज बता रहा हूँ मैं स्टेट बोर्ड में नहीं है, आपको स्टेट बोर्ड के लिए नहीं करना है, मैं जो स्टेट बोर्ड का पॉइंट आऊंगा तब बता दूंगा कि स्टेट बोर्ड के लिए, दिस इज फॉर नीट ओनली। ओके, तो ये लुईस पाश्चर वाला पॉइंट, इसने बायोजेनेसिस लाइफ से लाइफ तैयार होती है ऐसा बोला, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेनिंग द इनहेरिटेंस प्रॉपर। इसके बाद होमनक्यूलस, ह्यूमन क्यूलस या फिर होमनक्यूलस
होम्यूनिक्यूलस थ्योरी। अब इसके जो कुछ भी प्रपोजर्स थे ओविट्स वगैरह कुछ अलग अलग लोग थे, तो बहुत सारे लोगों के बोलना था इसमें, तो इनका तो बोलना बहुत ही भारी था। इनका क्या बोलना था, बोले ह्यूमन का जो स्पर्म रहेगा मेल का स्पर्म, सो दैट मेल स्पर्म एंड फीमेल्स एग दैट इज ओवम दे विल हैव मिनिएचर फॉर्म्स ऑफ दैट मेल एंड मिनिएचर फॉर्म्स ऑफ दैट फीमेल। क्या बोलना है समझ में आ रहा है, बोले वो मम्मी वो जो स्पर्म रहेंगे स्पर्म में बोले उसके पप्पा का छोटा सा प्रतिरूप रहेगा, एक छोटा सा मॉडल रहेगा, बोले पप्पा के जैसा दिखने वाला एक छोटा सा ह्यूमन बीइंग रहेगा, मेल रहेगा, और फीमेल के ओवम में बोले मम्मी की जैसी दिखने वाली एक छोटी सी फीमेल रहेगी, बोले उनमें मम्मी पप्पा के पूरे कैरेक्टर्स रहेंगे, बोले वो दोनों में जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो उससे बच्चे तैयार हो जाएंगे। वाह पिक्चर इज बना रहे सही में। ओके पहले तो खून मिक्स कर रहे थे, क्या क्या वेपर्स निकल रहे थे, किसका खून निकल रहा है, किसका क्या हो रहा है, अब ये तो क्या बोल रहे, बच्चे स्पर्म के अंदर छोटे पप्पा और ओवम में छोटी मम्मी है बोले, और वो मिक्स होके बोले बच्चे तैयार होते। सो होमनक्यूलस स्मॉल मिनिएचर्स आर प्रेजेंट, ऐसा उनका बोलना था। कितनी बकवास तेरी समझ में आ रहा, इसको क्या बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कुछ भी ब्लेंड कर रहे, कुछ भी मिला रहे इसमें, कुछ भी मिक्स कर रहे। ओके मिक्स फ्रूट जूस मिक्स वेज बना के रख रहे पूरा, तो कुछ एक्सप्लेन होने वाला है नहीं इससे। मेंडल जब तक नहीं आता तब तक ये चीजें अपने को सुन के लेना पड़ेगी, बस थोड़ा सा पता होना आपको एक बैकग्राउंड की पहले के लोगों की क्या थिंकिंग थी इनहेरिटेंस के बारे में। तो इस तरीके से छोटे मम्मी छोटे पापा इस तरीके से मिलते और उनके मिक्सिंग की ब्लेंडिंग होने की वजह से नए यंग वंस तैयार होते, ऐसा ये होमनक्यूलस की थ्योरी का बोलना। ठीक है इस थ्योरी को रिजेक्ट करना है तुम्हारा डार्विन फिफ्थ थ्योरी लेके, पैनजीन थ्योरी या पैनजेनेसिस थ्योरी बाय डार्विन। डार्विन तो हरूषा तुम्हारा फादर ऑफ इवोल्यूशन राइट, तो फादर ऑफ इवोल्यूशन इसको जरा ज्यादा ज्ञान देने का। इसने क्या बोला, ये पैन ऐसे ये बोले कुछ भी ऐसे मिनिएचर मिनिएचर नहीं रहते, बोले स्पर्म में ओवम में कोई मिनिएचर विनेचर नहीं रहेंगे, बोले उसके बदले क्या रहेगा स्पर्म और ओवम में क्या रहेंगे, बोले तुम्हारे पूरे जो कुछ भी बॉडी के कैरेक्टर से वो जमा होते, बोले वो हर सेल में रहते, बोले कैरेक्टर कैरेक्टर हर सेल में रहेंगे, वो जमा होंगे और पूरे बहके जाएंगे टेस्टिस में, पूरे कैरेक्टर्स बहके जाएंगे ओवरी में, और वहां पे जेम्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर तैयार होंगे या फिर पैनजीन नाम के स्ट्रक्चर तैयार होंगे, जेम्यूल या फिर पैनजीन ये नाम के स्ट्रक्चर्स तैयार होते टेस्टिस में और ओवरी में, वो जेम्यूल और पैनजीन स्पर्म के थ्रू ओवम के थ्रू होके मिक्स होंगे और फिर उससे बच्चे तैयार, और उनमें उनके पैनजीन जो रहेंगे या फिर जेम्यूल जो रहेंगे उनमें मां बाप के जैसे कैरेक्टर रहेंगे, उनके मां बाप के जैसे गुण दिखाई देंगे, तो वो जेम्यूल और पैनजीन स्पर्म ओवम के थ्रू जाते हैं, मम्मी पापा नहीं रहेंगे उनमें जेम्यूल्स रहेंगे, बोले स्पर्म में जेम्यूल ओवम में जेम्यूल या फिर पैनजीन, और उसमें कैरेक्टर्स मम्मी पापा के भरे ले रहे। ठीक है अब ये भी कुछ तो फेंक डाला इसको, बस पूछेंगे कि तुम्हारा क्या बोलना है बोलो इसके बारे में, तुम इवोल्यूशन के फादर ऑफ इवोल्यूशन है, इतनी बड़ी बात बताए नेचुरल सिलेक्शन, तो एक दो बातें इसके बारे में, तो कैसा इसने फिर इसका व्यू दिया होगा और इस तरीके से एक थ्योरी बताया। ऑगस्ट वीजमैन आया इसने सीधा उड़ा दिया इसकी थ्योरी, बोला कुछ भी फेंक रहे डार्विन अंकल, बोले ऑगस्ट वीजमैन आया उसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं बोले पैनजीन मिनजीन कुछ नहीं रहता, बोले ये सब स्पर्म और ओवम के अंदर बोले कुछ तो भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो वो कैरेक्टर लेके जाए, लेकिन उसको भी नहीं पता था वो क्या रहेंगे, तो इस तरीके से बस कुछ तो भी मिला के कुछ तो भी मिक्सअप करके ब्लेंडिंग करके इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो कुछ थ्योरीज दिए थे इनको सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थ्योरीज और थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। कोई बोल रहा वेपर मिक्स हो रहा, कोई बोल रहा ब्लड मिक्स हो रहा, कोई बोल रहा नहीं नहीं पप्पा मम्मी के छोटे छोटे प्रतिरूप मिनिएचर फॉर्म्स प्रेजेंट है, नहीं नहीं बोले पापा मम्मी नहीं बोले जेम्यूल से बोले पैनजीन है उसके अंदर, वो मिक्स होके बोले बच्चे तैयार होते उनमें कैरेक्टर माँ बाप के जैसे, कुछ भी फेंक के गए ये थ्योरीज को मानो मैं, दीज आर जस्ट फॉर नॉलेज, ये थ्योरीज अपनी इतनी जरूरी नहीं है, बट दे ट्राई टू एक्सप्लेन दी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके इसके बाद आए तुम्हारे ग्रेगर जॉन मेंडल, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। आपके साइड में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएंगी नोट डाउन करके रखो, इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यूज पूछे ये कहाँ पे पैदा हुआ कैसा क्या क्या पूरा, तो एक छोटे छोटे आपको इमेजेस आएंगे उसके और आप वो देख के चलो, आपके सामने मैं रीड आउट कर रहा हूँ बस, इसके अपने को बायोडाटा पढ़ के निकालने का है, कुछ पॉइंट्स याद रखने के, जन्म से लेके मरे तक उसने क्या क्या करा कहाँ पे उसका काम क्या क्या हुआ वो सब बातें मैं आपको रीड आउट कर रहा हूँ, आप बस उसको ध्यान से देखते चलो।
ग्रेगर जॉन मेंडल ही वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई इन अ पुअर फैमिली ऑफ अ फार्मर इन अ विलेज मोराविया इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, यूरोप में है. ही आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही ज्वाइन द अगस्टीनियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रुन एज प्रीस्ट. वो प्रीस्ट था, फादर थे वहां पे वो. ओके, रिलीजियस एजुकेशन देना, लोगों को फिर रिलीजियस एक्टिविटी करवा के लेना है, काम करता था. ही वॉज सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना. वो पता चला वहां पे कि बहुत होशियार है, पढ़ाई लिखाई इसका दिमाग बहुत तेज है, तो फिर वहां के मोनेस्ट्री वालों ने क्या किया उसको, मोनेस्ट्री मतलब मठ, वो जो मठ रहेगा, वो जो कुछ भी चर्च वगैरह था पूरा एरिया, वहां के लोगों ने क्या किया, ही वॉज देन सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना फॉर हायर स्टडीज इन फिजिक्स मैथ्स एंड नेचुरल साइंसेस. फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा और नेचुरल साइंसेस मतलब बॉटनी वगैरह इसने अच्छे से किया वहां पे, जूलॉजी बॉटनी, उसमें भी बॉटनी में ज्यादा इंटरेस्ट था तो अपना बंदा है बॉटनी वाला, फिजिक्स भी किया था और मैथ्स भी किया था. केमिस्ट्री का नाम नहीं लिया, केमिस्ट्री इज इंक्लूडेड इन लाइफ साइंसेस, लेकिन केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट नहीं था. ऑन हिज रिटर्न ही कंटिन्यूड टू वर्क एज अ प्रीस्ट एंड अ टीचर. आने के बाद तो प्रीस्ट के साथ साथ अब टीचर भी बन बेटा, अब तू सीख के आया ना, अब तू पढ़ा भी यहाँ पे. फिर उसने उसके बाद आने के बाद इन 1856 ही बिगैन हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट, दैट इज योर पायसम सटाइवम. है क्या नाम, गार्डन पी प्लांट, दैट इज पायसम सटाइवम, 1856. इन 60 अप टू 1863 सात सालों तक उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. ये एमसीक्यू 2018 नीट में पूछे वाला है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कौन से साल को परफॉर्म किया था, 17 में क्या 18 में आके गाला है. सो 1856 टू 1863 ही परफॉर्म्ड हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट, दैट इज पायसम सटाइवम. रट्टा मार लो, गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पायसम सटाइवम. सात साल, कौन से सात साल, 1856 से 1863. यही टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था, याद करो, थोड़ा सा रिलेट करो, कैसा याद रखने का, अपने को ईयर याद नहीं रहते मुझे मालूम है, तो रिलेट करो. इंडिया में 1856-57 में क्या होता, वी वेर फाइटिंग आवर फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल. पहला अपना विद्रोह करे थे अपन ने, स्वतंत्रता पहली लड़ाई गई तरी लड़ी होती अपन, तो वो टाइम पे अपनी पहली अपन अंग्रेजों के साथ में मंगल पांडे वगैरह हुआ था कुछ तो भी, तो वो टाइम इंडिया इधर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे अपन, और उधर देखो वो बंदा क्या कर रहा था, साइंटिफिक रिसर्च कर रहा था. कैसा याद रखना है, ध्यान में आ रहा. तो इंडिया में 1856-57 की लड़ाई चल रही थी और वो 56 से 63 तक उधर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा था. 63 में एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन 1865 ही प्रेजेंटेड हिज वर्क इन अ पेपर एंटाइटल्ड. उसने फिर 1865 में अपने वर्क को दो साल तक पूरा लिखा और उसके बाद पब्लिश किया. कौन से पेपर में, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एट द मीटिंग. उसके पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एट द मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन. नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का तो नाम सुने होंगे सबने. इट वॉज पब्लिश इन द जर्नल एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1866. अगले साल वो पब्लिश हुई. प्रेजेंट किया 65 में, पब्लिश हुआ 66 में. इतना होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क रिमेंड अननोटिस्ड. किसने ध्यान नहीं दिया. ही डाइड इन 1884 एज अ हाईली रिस्पेक्टेड प्रीस्ट एंड टीचर बट अनरिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंटिस्ट. टीचर नाम से और प्रीस्ट नाम से तो बहुत चला उसका नाम, बहुत फेमस हुआ, लेकिन उसको एक साइंटिस्ट बोल के मान्यता नहीं मिल पाई जितनी उसको मिलनी चाहिए. He was suffering from kidney and heart diseases and he died due to that diseases only. ठीक है, इसके बाद 1900 में आए तीन साइंटिस्ट्स, एरिक शेमार्क, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी राइस. तीनों अलग अलग कंट्रीज से थे. एरिक शेमार्क ऑस्ट्रिया से था, कार्ल कोरेंस जर्मनी और ह्यूगो डी राइस फ्रॉम हॉलैंड. ये तीनों लोग अलग अलग जगह से थे, तीनों अलग अलग कंट्रीज से थे. इसमें डी राइस ने क्या किया, ह्यूगो डी राइस की तो म्यूटेशन थ्योरी आपको याद होगी, तो इसने म्यूटेशन थ्योरी जब ये स्टडी कर रहा था तो वही टाइम पे इसने 1901 के आसपास ही रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ मेंडल. उसने मेंडल के पेपर निकाला 1865-66 में पब्लिश हुए और उसमें देखा कि यार मेंडल ने झाड़ों पे, इसने भी तो प्लांट पे किया था ना, ह्यूगो डी राइस ने इनोथेरा लैमार्किया ना प्लांट के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था इवनिंग प्राइम रोज पे, कलर चेंज हो गया था उसके फूलों का, तो ये प्लांट की स्टडी कर रहा था तो उसने मेंडल भी उसके पढ़ने में आया तो मेंडल को पढ़ा. इधर एरिक शेमार्क ने भी पढ़ रहा था वही टाइम पे और फिर कार्ल कोरेंस, तीनों ने पढ़े, तीनों ने देखे कि और वही टाइम पे क्या हो रहा था, माइटोसिस मियोसिस की डिस्कवरी हुई थी वही टाइम पे, फ्लेमिंग वगैरह ने माइटोसिस मियोसिस डिस्कवर किया था. तो मतलब वो टाइम पे साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज्यादा चल रही थी 1900 जब शुरू हुई थी अपनी 20th सेंचुरी 1900 में,
तो वो टाइम पे ये रिसर्च के ये लोगों के पढ़ने में आया, प्लस रिसर्च इतनी ज्यादा बढ़ गई, नॉलेज बढ़ गया, साइंटिफिक नॉलेज। इन्होंने देखे कि मेंडल ने जो काम करा था वो कुछ साधा काम नहीं था, सिंपल काम नहीं था। मेंडल बहुत भारी काम करके गया था, बस उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये तीन बंदों ने मेंडल के काम को सबके सामने लाए, दे एक्सप्लोर्ड एंड दे एनलाइटन्ड द वर्क ऑफ मेंडल। एंड अल्टीमेटली कार्ल कोरेंस, इसका नाम तो दिमाग में बिठा के रख लो, कार्ल कोरेंस इन 1901 ही फॉर्मुलेटेड थ्री लॉज ऑफ मेंडल। इसने मेंडल के तीन नियम दिया। ये तीन बंदों ने, मेंडल तो 88 में मर गया, मेंडल के मरने के बाद 12-15 साल के बाद इन दोनों ने क्या किए, इन तीनों ने उनको ढूंढ के निकाले मेंडल के कामों को। और उसमें भी कार्ल कोरेंस ने क्या किया, ही प्रपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देखो एमसीक्यू क्या बनता, मेंडल्स लॉज वेयर प्रपोज्ड बाय, नॉट मेंडल, दे वेयर प्रपोज्ड बाय कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने उनको लिख के निकाला, अपन वही पढ़ने वाले। तो मेंडल्स लॉज वेयर प्रपोज्ड बाय कार्ल कोरेंस इन 1901। ओके, तो इस तरीके से मेंडल का कुछ जीवन था, उनका लाइफ वगैरह पार्ट इस तरीके से था। उनके बारे में जो कुछ भी बातें थी वो आपको इतनी पता होने चाहिए थी। आपको स्टेट बोर्ड में इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन इतना काफी है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से भी इतना काफी है आपको। उसने कब परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, कितने सालों तक किया, ये किन किन तीन लोगों ने उसको रीडिस्कवर किया। मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाय दीज थ्री साइंटिस्ट एंड हु पोस्टुलेटेड मेंडल्स लॉज, कार्ल कोरेंस। इतना होने के बाद द इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। विल नाउ स्टार्ट डायरेक्टली विद द टर्मिनोलॉजीज एंड द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।